तो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो पे। तो आज जा रहे हैं हम मार्केट कबूतर खरीदने के लिए। तो चलो आपको दिखाएंगे कितने महंगे हैं और कितने सस्ते हैं। तो चलो चलते हैं। तो हमारी एंट्री हो चुकी थी बैर के अंदर और हमें बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था क्योंकि हम पूरे रास्ते बक्सौदी करते हुए आए थे और सामने देख सकते हैं कितनी कितनी बड़ी मछली हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं। आते ही मैं देखने लगता हूँ भूरा गोल्डन कबूतर, जो मुझे दूर से काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी आँख जो है ताका है, दोनों तरफ से टेढ़ी टेढ़ी है, लेकिन कबूतर बहुत बेहतरीन है, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन इसके पैसे जो हैं 1200 रुपये हैं, तो इतना बजट अपना है नहीं, 200-300 वाले हैं अपने, तो चलो इसे छोड़ते हैं। तो हम आ गए थे दूसरी साइड, यहाँ पर हम निकलवाते हैं काशना कबूतर, जो कि बहुत बढ़िया था, बेहतरीन कबूतर था। देख सकते हैं कितना प्यारा कबूतर है, आँख भी बढ़िया, बस अपने पंजे और पूँछ से मात खा रहा था, पर भी बहुत सॉफ्ट से उड़ने वाला कबूतर था। लेकिन हम इसे भी छोड़ देते हैं क्योंकि जितना इसका कद नहीं, उससे ज़्यादा इसके पैसे हैं। तो हम इधर से उधर टहल ही रहे थे तो हमें एक बहुत बेहतरीन सा काला कबूतर दिखता है, जिसकी मोटी नाक और मोटी चोंच और आंखें भी पूरी लाल हैं। तो हम इसे हाथ में पकड़ के दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं कितना बेहतरीन कबूतर है, अलग ही खून की तरह इसकी आँखें, बढ़िया कबूतर है, पंजे भी सॉफ्ट हैं और खुरखुरी नाक है, बढ़िया था। लेकिन हम इसे भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा बजट बहुत ज़्यादा कम है, हमें अगर कोई कबूतर अच्छा लगा तभी लेंगे, लेकिन हम तो आपको दिखाने के लिए आए हैं कि बाज़ार में कैसा है, सस्ता है या महंगाई है, और कबूतर बिका रहे हैं अच्छे हैं मेरी नज़र में, तो सब कबूतर बढ़िया हैं, बेहतरीन है, ले सकते हो तो ले लो। जो मुझे सबसे अच्छे कबूतर लगते हैं वो है सहारनपुरी, तो मैं उसी निकलवा लेता हूँ और देखता हूँ इस कबूतर का 800 रुपये मांग रहे हैं। तो इधर आते हैं हम, इधर बहुत ज़्यादा कबूतर हैं लेकिन हम इन्हें लेते नहीं, आपको दिखा रहे हैं कबूतर कैसे कैसे आ रहे हैं बाज़ार में, अच्छे बुरे सब दिखाएंगे। अब हम दिखाते हैं तुम्हें अपना हरा कबूतर जो हमने बाद में ले ही लिया था, ये बढ़िया कबूतर था, इसकी लाल आँख थी और पंजे भी बढ़िया थे, पूरा बेहतरीन कबूतर था, हरा कलर लग रहा था, उड़ा कबूतर था, तो उन्होंने हमें सस्ते में 200 रुपये में दे ही दिया। तो हम इधर आते हैं, यहाँ पर देखता हूँ मैं चीनी मदीन, जो कि काफ़ी बढ़िया कबूतरी थी, लेकिन इसके भी 3000 रुपये थे, तुम्हें तो पता ही है हम 200 वाले हैं। तो हमने हरा कबूतर खरीद लेंगे आगे चलकर, अभी नहीं लिया था आपको, हमने पहले ही दिखा दिया था वीडियो में। तो इस साइड भी बहुत सारे बढ़िया बड़े कबूतर थे। तो इधर की साइड आते हैं, इधर लालम बसर है, फुल सर है, सभी तरह के कबूतर थे, लेकिन हमारी पसंद कोई नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे बजट से बाहर थे। तो आपको अगर लेने हैं तो आप बेहिचक ले सकते हैं, बढ़िया कबूतर हैं, बेहतरीन कबूतर हैं, आसानी से ले सकते हैं, और यहाँ पर बढ़िया दामों में कबूतर मिल जाएंगे क्योंकि टांडे वाले आते हैं और वो कबूतर वहाँ पर पकड़ते हैं, वहीं से यहाँ बुलाते हैं। और यहाँ पर ये पेटी बिक रही थी 300 रुपये की, 200 रुपये की, बढ़िया क्वालिटी की पेटी हैं, आपके कबूतरों के लिए चाहिए तो आप यहीं से ले सकते हैं। तो हम आते हैं इस साइड कबूतर देखने के लिए, काशना दूसरा, तो हम यहाँ पर देखते हैं, निकलवाते हैं कबूतर को क्योंकि कबूतर काशनी बढ़िया लगते हैं। तो इस साइड आने के बाद तो भाई कल सरे, लालम सरे, गजरे, उनके अलावा कोई कबूतर ही नहीं था और ताला लगा हुआ था। इधर छल्ले ही बिकते हैं, 5 रुपये का एक छल्ला, 50 रुपये का पैकेट, खुले ही मिलेंगे और आपको और क्वालिटी के ही मिलेंगे, आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम आते हैं इस साइड कबूतर दिखाने के लिए आपको। तो मुझे स्नैपचैट वाले बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि हमारे जिक्र भाई कैमरा पकड़ने के बाद में भी स्नैप बना रहे थे, ये हमारा दलाल। तो हम इधर कबूतर दिखाते हैं, हम दिखाते हैं इधर। तो मैं देता हूँ 200 रुपये और कबूतर ले लेता हूँ अपना हरा कबूतर, बढ़िया कबूतर हमें लगा यही, 200 रुपये में बहुत अच्छा मिल गया, हम इसे 300-400 रुपये का आराम से गांव के अंदर ला कर बेच देंगे। तो अब चलते हैं और फैज भाई ने ले लिया है हमसे कबूतर। कबूतर दिखा जी भाई, तो ये ले लिया है हमने कबूतर, अब जा रहे हैं घर और आपको और कबूतर भी दिखाएंगे। अभी कुछ खा भी लेते हैं, तो क्या खाना जी भाई? आलू खाने के लिए आ चलो, रसगुल्ले खिलाते हैं, बता से चलो क्या लेना जी भाई? गाजर। गाजर लेनी है? ये वाली गाजर ले ली हमने, कितने के लिए फैज भाई? भाई हमने 20 रुपए के लिए। तो फैज भाई खा रहा है गाजर, जिक्र भाई लिए हुए कबूतर, कितने फैज? बता से खाने, बता से खा। एक बार सबको खिला देते हैं। अरे कैसे खा रिया? छोटे भाई